नमस्कार, नाम हरिओम तोमर है मेरा और हम लोग बात करेंगे आरसीएम मार्केटिंग प्लान की। मार्केटिंग प्लान की बात करूँ तो मार्केटिंग प्लान इसका इतना शक्तिशाली, इतना ताकतवर है। इसी मार्केटिंग प्लान के जरिए बहुत सारे लोगों ने पिन अचीव करे हैं, बहुत सारे अच्छे से लेवल पे गए हैं और हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आके देखते हैं मार्केटिंग प्लान इसका। तो मार्केटिंग प्लान क्या है, हम सबसे पहले जानेंगे ये आरसीएम राइट काउंसिल मार्केटिंग, इसको तीनों भागों से अलग करेंगे। तो आर से होता है राइट, सी से कॉन्सेप्ट और एम से मार्केटिंग। इसका हिंदी अनुवाद होता है बाजार करने का सही तरीका। लेकिन बाजार करने का सही तरीका ये तो हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं, जो कब से चल रहा है ये 200-300 सालों से चल रहा है और ये इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, पुराना बाजार, परंपरावादी प्रक्रिया जो 300-200 सालों से चल रही है, हमने की हमारे बाप दादा ने लगा सा किया है। लेकिन हम लोग जानेंगे कि ये नया तरीका क्यों आया। जैसे कहते हैं कि बदलाव, हर चीज में बदलाव आज हो रहा है, हर चीज में आज हर चीज हो रही है ना। तो ये भी एक बदलाव है, खरीदारी का बदलाव है। तो हम लोग जानेंगे कि पहले के ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता था। तो हम जानेंगे कि जैसे एक व्यक्ति अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी भी कंपनी में काम करके पैसा कमाता है। वो पैसा नौकरी करके कमाए या बिजनेस करके गए, दुकानदारी करके कुछ भी करके कमाए, तो पैसा कमाता है। लेकिन जब पैसा कमाने के बाद में जब वो जाता है अपनी जरूरत का सामान लेने, तो वो एक कस्टमर कहलाता है, ग्राहक कहलाता है। लेकिन ग्राहक अपने एरिया के फुटकर दुकानदार जैसे रिटेलर बोलते हैं, और रिटेलर सामान बनाता नहीं, रिटेलर लाता है अपने ऊंची व्यवस्था, इसको होलसेलर बोलते हैं। होलसेलर भी बनाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर चलाता है, डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर से लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर, और बनाने वाली कंपनी होती है, ये बनाने वाली कंपनी है। लेकिन इस पे सर्वे किया गया 1930 में कनाडा के अंदर, 1930 में कनाडा के अंदर। कनाडा एक विकसित देश है, हमारा विकासशील देश है। तो विकसित देश और विकासशील के अंदर लगभग 60 से लगभग 65 साल के बीच में इसका जो है बदलाव होता है। जैसे जो हमारी चीज जो आज हमारे पास जो आई है वो विकसित कंट्रियों में 60 साल 65 साल पहले आ चुकी होती है। लेकिन अब हम जानेंगे कि उस पर सर्वे किया गया, उसमें पाया गया कि कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट को 80 पैसे का बनाती है और 20 पैसे अपना कंपनी प्रॉफिट रखती है, तो ये प्रोडक्ट 1 रुपए का तैयार होता है। लेकिन 1 रुपए का तैयार होने के बाद ये एक आम व्यक्ति तक कितने का आता है हम देखते हैं। तो सबसे पहले 1 रुपए का तैयार होगा तो सबसे पहले कहां जाता है, ये एक प्रचार पे जाता है, इसको एडवर्टाइज बोलते हैं। और उसको करने वाले जो होते हैं वो एक आम व्यक्ति नहीं होते, एक बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी होते हैं, एक्टर डायरेक्टर ये सब होते हैं। तो बहुत अमाउंट में बहुत मोटा पैसा जाता है इनका, लगभग इसका 50% इसी एड पे जाता है। और इसको कंपनी क्या करती है, इसी में जोड़ देती है। हर व्यक्ति को भ्रम होता है कि हम उसका टीवी का एड का पैसा नहीं देते, वो तो कंपनी देती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे पास ही आता है वो, और ये कंपनी पैसा दे देती है अपने एड्स, लेकिन वो इसी में जोड़ देती है। खर्च क्या होता है देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक एक्टर को ढूंढते हैं यहाँ पे, उस पर खर्च होता है। उसके बाद एक थिएटर के जरिए वो बनता है, उसके बाद चैनल जिसके जरिए हमारे पास दिखाया जाता है। ये जैसा इसका जैसा रोल होता है, अगर एक्टर एक मीडियम एक्टर उसका अलग रेट होगा, जहाँ नॉर्मल बनेगा वहाँ अलग रेट होगा, चैनल जिसके जरिए दिखाया जाएगा उसका रेट, तो सबका जो रेट है लगभग इसका 50% होता है। उसको जोड़ के इसको 1.5 रुपए, अब 1.5 रुपए का सीनडप लेती है यहाँ पे, 1.5 रुपए का सेंडअप लेती है। लेकिन इसके बाद जो आगे बढ़ता है तो हर आदमी ईमानदार 10-10 पैसे आगे बढ़ाता है, ये 1.60 तक जाता है इसके पास में, उसके बाद 1.70 में जाता है, इसके बाद 1.80 में जाता है, और एक आम व्यक्ति का आते आते इसकी कीमत 1.90 रुपए हो जाती है। लेकिन वहां पे जो बांटा गया, इसको 3 भागों में बांटा था, इसमें चेक किया गया इसके अंदर सबसे पहला कौन है, सबसे पहला क्या है, इसमें कस्टमर है जो सिस्टम का हीरो है, और ये दूसरी कंपनी जो प्रोडक्ट को बनाती है। लेकिन ये तीसरे व्यक्ति हैं, इसका काम सिर्फ पहुंचाना होता है। लेकिन पहुंचाने के अंदर ये पैसे के मामले में नंबर 1 पे ये होते हैं, जबकि काम इनका सिर्फ पहुंचाना है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जब उसको सर्वे किया गया, यहाँ पे 3 दोष पाए गए। 3 दोष क्या है,
सबसे पहले यहाँ पे समय एक आम व्यक्ति को महंगा मिलता है। यहाँ पे महंगा बात कहूं तो अगर ये एक का बन के हमारे दो में तो महंगा मिल रहा है हमारे को, तो सबसे पहले यहाँ पे महंगा होता है। उसके बाद यहाँ पे महंगा तो ठीक है, साथ में यहाँ पे नकली का चांस होता है। नकली होता है कैसे, कंपनी कोई बड़कर नकली नहीं बनाती है, कस्टमर नकली खरीदते हैं, लेकिन ये बीच के लोग हैं इसको डुप्लीकेट करते हैं अपने ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर के अंदर, इसको नकली करते हैं। तो यहाँ पे 50% हम नकली मान सकते हैं, इसको 50% नकली मान सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे नुकसान होता है, नुकसान होता है सबसे पहले हमारे पैसे का होता है, पैसे का नुकसान होता है। अब पैसा, अब एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं है, हम 20 साल से, लेकिन एक चीज बताइए, अगर पैसा नुकसान ना हो तो ये प्रोडक्ट 1 रुपए का बन जाता, ये 2 रुपए का आता, तो ये जो 1 रुपया जो बीच का पैसा है, लगभग अगर एक व्यक्ति अपने जरूरत को पूरा करे, नॉर्मल व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता है, तो 5,000 रुपए इन बीच वालों के लिए कमाना पड़ता है। अब ये समझिए कि आज हमारे को 20 साल 30 साल 50 साल हो चुके हैं और हमने जितना भी पैसा कमाया उसका आधा पैसा हमारे प्रचार पे गया, इन लोगों के पास गया, नहीं गया, तो हमारे को नुकसान होता है पैसे का। उसके बाद नंबर 2, यहाँ पे सेहत का नुकसान होता है। सेहत कैसे, कि ये हमारे सेहत के साथ और हमारे पैसों के साथ भी खेलते हैं, नकली माल देते हैं, तो हम उससे बीमार भी पड़ते हैं। आज पहले लोग 100 साल जिया करते थे, लेकिन आज 50-60 साल के अंदर उसको बीमारी लग जाती है, किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को शुगर हो जाता है, किसी को किडनी फेल हो जाती है, बहुत सारी समस्या आती है। तो कहीं ना कहीं ये बीच का रोल होता है, जो कि डुप्लीकेट करने वाले होते हैं, इसी का रोल होता है, लेकिन हम लोग आम व्यक्ति समझ नहीं पाता। तो ये 3 दोस्त पाए गए, तो इस तरह से इसमें अब उसमें क्या किया, उन्होंने चेक किया कि ये जो कस्टमर है ये 80% और ये बिचौली 20%, लेकिन 20% पैसों का 20% लोगों का पैसा 80% लोगों का पैसा 20% लोगों में जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति अपनी जरूरत का पूरा करने के लिए नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मजा ये लोग ले रहे हैं, क्योंकि इसके बच्चे कहीं सक्सेसफुल नहीं पढ़ते, एक अच्छा सब कुछ मेंटेन करते हैं, लेकिन ये पैसा एक आम व्यक्ति का ही है जो अपनी जरूरत के लिए लड़ता है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इसमें एक बदलाव क्या हुआ। इसमें देखेंगे कि जब वो चेक किया गया, ये जो कस्टमर है हीरो है, तो इस कस्टमर को उन्होंने क्या किया, इस सिस्टम से निकाला। अब बोला कि सिस्टम से निकाले तो कैसे चलेगा, तो यहाँ से उसके बाद कंपनी को भी निकाला। अब इस तीनों को, इन दोनों को जोड़ दिया गया और इसको खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी और सीधा कस्टमर के साथ आता है, और इसको विदेशों में DSM के नाम से जाना गया था, जो 1930 में चला था, और उसके बाद 1959 तक इसमें विरोध रहा था, उसके बाद वहां से इसको गाइडलाइन मिल गई थी, सरकार ने इसको चेक किया, ये सही है हमारे देश के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी को सुधारेगा, सिस्टम को सुधारेगा, लोग नकली नहीं खा पाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसलिए इसको चेक किया और उसको गाइडलाइन डाल दिया। और उसके बाद इसी सिस्टम को सन 2000 अगस्त में RSM सिस्टम से तैयार किया गया, राइट काउंसलर मार्केटिंग बाजार करने का सही तरीका। अब यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे जो कंपनी 1 रुपए का प्रोडक्ट बना रही थी, तो यहाँ पे सीधे डायरेक्ट कस्टमर को ये 1.45 रुपए का मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बिचौलिया नहीं है, कोई डुप्लीकेट करने वाला नहीं, डायरेक्ट कंपनी से आ रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहले एक आम व्यक्ति को यहाँ पे सामान क्या होता है, सस्ता मिलता है, क्योंकि बीच के बिचौलिया नहीं है। उसके बाद नंबर 2, यहाँ पे एक आम व्यक्ति को सामान असली मिलना शुरू होता है। असली कैसे, क्योंकि यहाँ पे बीच के लोग नहीं है, इसको नकली नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्ट कंपनी से तो कस्टमर को आता है, इसलिए असली होता है, 100% असली होता है। क्योंकि असली की बात कहूँ तो असली कैसे हम चेक करेंगे, अगर हमारे पास उसका पक्का बिल है तो हमारे लिए असली है, तो यहाँ पे एक ही चीज बिल के साथ मिलती है, और 30 दिन की वापसी भी होती है इसके अंदर, अगर 30 दिन की वापसी में तो वापसी कर सकते हैं, इसीलिए हमें वापसी मिलता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, कंपनी बोलती है कि ये जो 45 पैसा है ये आम व्यक्ति का है और ये आम व्यक्ति तक ही जाना चाहिए, तो क्या करती है,
कि बोलती है कि आप एक काम करिए सर, रजिस्टर्ड हो जाए। रजिस्टर्ड होने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको अपना फोटो खिंचाना पड़ता है, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक और अपने घर का 1000 बीवी की खरीदारी, जिसमें हल्दी, नमक, धनिया, मिर्च, तेल, शैंपू, साबुन जो भी है वो सबको जाता है। तो वहां से हम पहली बार खरीदारी करते हैं, उसके पार्टनर बन जाते हैं। अब कंपनी क्या करती है, इसी फाइनेंस प्लान में कंपनी आपको क्या बनाती है, पार्टनर बनाती है। पार्टनर बना देती है, जबकि बाहर की दुनिया में अगर आप 1 लाख का समझते तो आपको पार्टनर बनाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको इस खरीदारी करने के बाद आपको पार्टनर बना देती है कंपनी। अब हम जानेंगे ये 45% कंपनी देती कैसे। कंपनी 45% कैसे देती है, जैसे 10 से 32% कंपनी परफॉर्मेंस देती है, पीबी जो खरीदारी का आपको जीवन हर जीवन आजीवन मिलेगा आपको, आप किसी को बताएं या ना बताएं। उसके बाद 3% से लेके 8% ये रॉयल्टी बोनस होता है। रॉयल्टी की बात करूं तो रॉयल्टी का क्या होता है कि काम करे एक बार पैसा मिले बार बार, इस तरह का होता है। उसके बाद यहाँ पे 1% से लेके 5% ये टेक्निकल बोनस होता है। यहाँ पे इनकम 50,000 से और अनलिमिटेड होती है, जिसकी कोई अथा नहीं है। तो इस तरह से अगर जोड़ेंगे इसको 32, 8, 40 और 5, 45, इस तरह से कंपनी 45% बांटती है। अब हम लोग चेक करेंगे, जैसे हमने अगर इसमें अपनी ज्वाइनिंग लगा ली और हमें पहला बेनिफिट क्या होगा, पहला बेनिफिट इसमें होगा अगर एक व्यक्ति अपने खरीदारी करता है जो मार्केट से करता है तो उसको किस पे मिलता है, वो एमआरपी पे मिलता है। सपोज अगर हम 10,000 का सामान खरीदें, अगर हम 10,000 का सामान खरीदें तो हमारे को किस पे मिलेगा, एमआरपी मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे आईडी लगाते हैं तो ये हमारे को किस पे मिलता है, बीपी मिलता है, जो होता है 8,000। और उसके बाद यहाँ पे कंपनी बीपी जनरेट करती है, बिजनेस वैल्यू जो होता है 5,000 रुपये। अब हम चेक करेंगे, हमने सामान खरीदा 10,000 का, पैसे भी 8,000, तो यहाँ पे हमारे को पहला प्रॉफिट क्या हुआ, 2,000 बच गया हमारा, जो कहाँ का था, इन लोगों का था। उसके बाद में ये इसमें क्या होता है, कंपनी 10 से 32% देती है, तो ये हमारे कंपनी के 12% से बनने आता है, 12×60 लगभग 600 रुपये आपके खाते में चला जाता है, तो टोटल आपकी बचत हो जाती है 2600 रुपये। तो ये आप बचा सकते हैं खरीदारी करके खाली, लेकिन खरीदारी तो आपकी हो गई। अब हमने बताया इसके अंदर, इसके साथ क्या है, प्लस बिजनेस भी है इसके अंदर। अगर हम बिजनेस करना चाहें और लोगों को बताना चाहें तो सबसे पहले हमें यूज करना पड़ेगा। यूज करने जो बताएंगे लोगों को, यहाँ पे पहला क्या होगा, जैसे हम अगर आंकड़ा लगाएं, अगर हम अकेले यहाँ पे लगे और हमने क्या किया, अपने 5 दोस्तों को हमने बताया, अपने भाइयों को बताया, अपने मित्रों को बताया, जो हमने यहाँ पे खरीदा 5,000 का। उसके बाद में इन लोगों को भी 5,000 की खरीदारी हमने करवाई, 5,000 बीवी की खरीदारी हमने करवाई लोगों की, तो कंपनी चेक करेगी टोटल, ये टोटल होता है आपका टोटल 30,000 होता है, जो कंपनी आपके ऐप पे दिखाएगा कि 30,000 बीवी आपका आपके ऐप्स पे दिखाएगा। उसके बाद वो कंपनी चेक करेगी ये किस सेलर में आता है, तो ये आपका आता है 16.5% के सेलर में, 16.5% सेलर में आएगा। उसके बाद इसकी टोटल निकालेंगे तो कितना बनेगा इसका, इसका बनेगा, इसका बनेगा 4950 रुपये, ये टोटल बनेगा पैसा। लेकिन ये टोटल पैसा आपको अकेला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है कि आपने इसको शेयर किया लोगों के बीच में, तो चेक करेगी कंपनी आपका, चेक करेगी तो आप कितने परसेंट पे हैं, 16.5% से लेते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है 12.5% से लेते हैं, तो 12% निकालेंगे लोग, एक व्यक्ति निकालेंगे तो इसने 5,000 रुपये खरीदा करिए, तो 12×60 600 रुपये, लगभग 600 रुपये एक व्यक्ति को मिलेगा, और गुना 5 तो बैठेगा आपका 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये कंपनी इसी में से निकाल देगी और आपकी जो इनकम होगी इसके अंदर 1950 रुपये, ये कहाँ जाएगा, आपके खाते में चला जाएगा। लेकिन ये कारवाया रुकने वाला नहीं है,
ये कारोबार रुक रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब आपने शुरू किया इसको तो आप अकेले थे। अब आप समझिए कि आपने एक पाजे खरीदे उन्हें भी खरीद रहे, लेकिन आपको आया 1950 रुपए और इनको आया 600 रुपए। अब अगर इस व्यक्ति इसमें से भी अगर इन लोगों ने हमने इसके साथ मिलके और इसको आगे बढ़ा दिया, हमने अगर इनको यहाँ पे पहुंचा दिया तो हमारी इनकम यहाँ पे 13,000 रुपये हो जाएगी, लेकिन अगर इनके साथ मिलके उनके जरिए भी लोगों अगर इससे पहुंचा दिया तो हमारी इनकम 60,000 हो सकती है, 60,000 हो सकती है। तो ये बहुत बेहतरीन प्लान है अपने जीवन को बदलने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए, और हम लोग इसको बेहतर तरीके जानेंगे समझेंगे उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। और इसी के साथ में मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। थैंक यू। इस पर लेके जाते हैं ना पूरा।